The key to an easy trek is a steady trek. चलते रहेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी. Come on, guys. एक बार तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना है. किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना. साल में एक दिन तेरा बर्थडे आता है, उसमें भी तेरा ये जो एवरेस्ट है ना, ये सारे गिफ्ट ले जाते. सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ. ओके टिको ओके टिको ओ सुर्ख लगन है. आप इनके परिवार को इत्तला कर दीजिए. बस हम इससे ही चलते. भूपेन का अस्थि विसर्जन वही होना चाहिए जहां उसकी आत्मा बसती. हमारी उम्र क्या जानता है ना तू? और मैं अगर सोच भी लूं तो शबीना तो मुझे गुजारा के लिए जाने नहीं देती. एवरेस्ट की बात तो दूर हो गई. एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है. यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ बन सकते हैं. तो हर रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए. जिंदगी को हाकर ये मेरा आखिरी मौका है. आप सबको घर ही बैठना चाहिए. हम एजेंट हैं इसलिए हमें घर पे बैठना चाहिए. हमें घर पे, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है. कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठे. भूपेन का फेवरेट गाना. ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. ऊंचाई मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि राजश्री के बैनर के नीचे तैयार की गई है. राजश्री बैनर फैमिली मूवीज के नाम से जाना जाता है, जो कि ऐसी मूवीज बनाते हैं कि सारी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है. और इन मूवीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इनकी मूवीज में आपस के रिश्तों की बर्निंग को दिखाया जाता है. वहीं इस बार ऊंचाई में दोस्तों के रिश्तों की बर्निंग दिखाई गई है. इनफैक्ट ऊंचाई फिल्म बनी ही उनकी दोस्ती पर है. कहानी उन चार दोस्तों की है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और जिंदगी काट रहे हैं कि कब मौत आ जाए. लेकिन जिंदगी हाथ से चली जाने से पहले इन चारों दोस्तों में से एक की ख्वाहिश होती है कि सारे दोस्त एक बार माउंट एवरेस्ट पर जाएं. तो दोस्त घबरा जाते हैं, हम तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते तो पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे. कुछ दिनों के बाद उसी दोस्त का बर्थडे होता है और उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है. तब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे. माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे जहां उसकी आत्मा बसती है. तो तीनों दोस्त अपने मरते हुए दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जिसमें वो उन दुश्वारियों को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी हैं. डैनी ही वो दोस्त है जिसकी डेथ हो जाती है. तो क्या होने वाली है इन तीनों दोस्तों की कहानी जो कि माउंट एवरेस्ट के सफर पर निकलने वाले हैं, ये तो हमें पिक्चर देखकर ही पता लगेगा. आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें.